शेयर करने वाली हूँ टू हेयर स्टाइल्स ऑफ बंस जो कि आप बहुत ही आसानी से मिनटों के अंदर बना लेंगे। सो फर्स्ट वन इज रोप ब्रेड बन जो कि आपका लेगा मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स एंड सेकंड वन इज मैसी बन जो कि आपका लेगा 2 मिनट्स। सो इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ हेयर स्टाइलिंग टिप्स जो कि आपकी किसी भी हेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने बालों को सुलझा लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड यस दिस ब्रश इज माय फेवरेट। इट मेक्स माय हेयर सो स्मूथ। सो हमें अपने बालों में एक पोनी बनानी है अपने हाथों से ही बिना कंघे की मदद लिए और उसे एक लूज रबर बैंड से बांध लेना है। पोनी बनाने के बाद मैंने अपने बालों को थोड़ा सा लूजन अप किया है जिससे मुझे एक अच्छा सा पफ लुक मिल जाएगा और मैंने अपने बालों से थोड़े से साइड से स्ट्रैंड्स भी निकाल लिए हैं। ओके सो इट्स ऑल सेट फॉर द बन। सो हमें अपनी पोनी के दो पोर्शन करने हैं और उन्हें आगे की तरफ लाकर उन्हें ट्विस्ट करना है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड देन क्रॉस। वी नीड टू ट्विस्ट द पोर्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड देन क्रॉस इट। ट्विस्ट इट एंड क्रॉस इट। सिंपल है, इससे एक बहुत ही अच्छा सा रोप ब्रेड बन जाएगा आपकी पूरी पोनी का और एंड में हमें उसे रबर बैंड से टाई कर लेना है। जस्ट लाइक दैट। एंड फिर हम अपनी इस पोनी को थोड़ा सा लूजन अप करेंगे। बस फिर उसके बाद हमें इसे घुमा के एक अच्छा सा बन बना लेना है और बॉबी पिंस की मदद से उस बन को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। जितनी भी पिंस लगे उससे अच्छे से एकदम टाइटली इसे सिक्योर कर लें। पिंस लगाने के बाद आप उस बन को थोड़ा सा लूजन अप करेंगे ताकि उसे एक अच्छा सा वॉल्यूमिनस लुक मिल जाएगा। एंड यस जस्ट मेक श्योर कि आपके बालों में से बालों के अलावा और कुछ भी विजिबल ना हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे भी बालों से कवर करके एक पिन से सिक्योर कर लें। सो यप, हियर इज द बन, इजी क्विक एंड रेडी टू गो। ओके सो अब मैं आप सभी के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो है ये छोटे छोटे बालों की प्रॉब्लम्स, सो इससे कैसे डील किया जाए। सो द टिप नंबर वन इज एलोवेरा जेल एंड द टूथब्रश। सो एलोवेरा जेल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मैंने यहाँ पे मेरे घर पे लगा हुआ जो एलोवेरा था उसका जेल निकाल के यूज़ किया है। सो आपको करना कुछ नहीं है, बस एलोवेरा जेल को ऐसे टूथब्रश में लेना है और अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। ओके सो इससे आपके छोटे बालों की जो प्रॉब्लम है वो भी मिट जाएगी और आपके हेयर स्टाइलिंग को भी बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग लुक मिल जाएगा। ओके सो ब्रशिंग के बाद आप अपने पफ को वापस थोड़ा सा सही कर लें एंड यू आर डन। एंड नाउ अ क्विक डीआईवाई फॉर कर्ल्स विदाउट हीट, easy and long lasting curls without using a curler. So let's do it. So आपको अपने बालों को गीला करना है और उन्हें अपने उंगली पे लपेटना है like कमोलिका वाली स्टाइल एंड फिर उसे 5 सेकंड के लिए उंगली पे लपेटे रखना है और उसे छोड़ देना है। फिर उसे हमें अच्छे से स्क्रंच करना है like उन्हें पकड़ के मुट्ठी में दबा देना। ये प्रोसेस करीब 2-3 टाइम्स आप करना और उसके बाद अपने बालों को सूखने देना। इससे जो आपके कर्ल्स हैं वो पूरा दिन अच्छे से टिके रहेंगे। मैं ये फ्रिक्वेंटली बहुत यूज़ करती हूँ जब भी बन बनाती हूँ। सो डू टेल मी इफ यू लाइक दिस आइडिया और नॉट एंड शेयर इट इफ इट्स रियली हेल्पफुल। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, द क्विकेस्ट मैसी बन एवर। तो इसमें हम एक हाई पोनी बनाएंगे और फिर अपने सारे बालों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे स्क्रंची लुक में और उसे एक रबर बैंड से बांध लेंगे जस्ट लाइक दिस एंड वी आर डन विद द मैसी बन। उसे लूजन अप करके जैसा भी आप लुक देना चाहें अच्छा सा सारे एंड सिक्योर कर लें और आपका मैसी बन इज रेडी। सो क्विक एंड सो क्यूट। So here is the final results.
So do share your views, thoughts and ideas about this video in the comment section below and subscribe to my channel for more videos sharing all about hairs. Thank you.